ये सच है कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर आई हूँ, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मैं राजधानी दिल्ली में पैदा हुई, पली बड़ी, शिक्षा वहाँ से ली, दिल्ली को बनते हुए और आज दिल्ली को उजड़ते हुए देख रही हूँ। और उन उजाड़ने में जिन ठगों का हाथ है, आपको पता है जब आदमी काम पे जाता है तो गांव में भोली भाली महिलाओं को ठगने के लिए कुछ लोग उनके घर जाते हैं और कहते हैं अपना सोना लाइए हम उसे चमका देंगे, और वो ठग जो हैं सोना लेकर भाग जाते हैं और हाथ क्या लगता है, ठगी। ये वही दिल्ली के ठग दिल्ली को ठगने के बाद अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और खासतौर से पंजाब में पाए जा रहे हैं। उन ठगों का पीछा करते हुए दिल्ली की नागरिक होने के नाते यहां तक आई उनको पीछा करते हुए, ये ठगों ने कैसे ठगा है दिल्ली को और पंजाब ना ठगा जाए, सिर्फ इसीलिए पूरे सबूत लेकर आए। इस किताब को सब पहचानते होंगे, ये अब दिल्ली के ठग, महाठग, जिनका नाम केजरीवाल, वो आपको अब नहीं दिखाएंगे। ये 2017 के पंजाब के चुनावों में खूब उस महाठग जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल अपने ऑटोग्राफ देकर 150-150 रुपए की किताब 2012 में आई थी ये खूब बांटी, स्वराज, सर में क्या होती थी सफेद टोपी, क्या लिखा होता था, एक तरफ जन लोकपाल दूसरी तरफ स्वराज, हाथ में झाड़ू और ये किताब। आज ना सर पे टोपी मिलेगी, ना उस पे स्वराज का नारा मिलेगा, ना उस पे जन लोकपाल मिलेगा, और ना उस ठग के हाथ में आज ये किताब मिलेगी, क्योंकि यही किताब दिखा दिखा कर स्वराज के नाम पर दिल्ली को ठगा जा चुका है। फरवरी 2022 में दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार को 7 साल पूरे होंगे, 3 साल बच गए। अखबार की कटिंग लाई हूं, बहुत पुरानी नहीं है, तारीख बताती रहूंगी, देखिएगा। अक्टूबर 2021 क्या है अखबार की हेडलाइन, अखबार की हेडलाइन दिल्ली दिसंबर 2020 से दिल्ली लोकायुक्त का पद खाली है, 87 केस विधायकों के खिलाफ निलंबित हैं। दिल्ली विधानसभा में तो एक भी विधायक कांग्रेस का नहीं है, किसके हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी के। 87 विधायकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले जिस दफ्तर में चल रहे हैं उस लोकायुक्त के दफ्तर में ताला है 1 साल से, और ये ठग जन लोकपाल भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, अपने ही दिल्ली के दफ्तर पे ताला क्यों? ये सवाल पंजाब के लोगों को आपके माध्यम से कहूंगी, मीडिया के लोगों को, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पूछ लीजिएगा सवाल, 1 साल से लोकायुक्त की नियुक्ति अरविंद केजरीवाल जी क्यों ठंडे बस्ते में डाली है, आप तो भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, उदाहरण बनने आए थे, क्या करेंगे पंजाब में आकर। आ जाइए दिल्ली का बेरोजगारी दर, बहुत मेले लगाए इन्होंने रोजगार देने के, दिल्ली में बेरोजगारी दर 28.5% तक पहुंच गई। आज का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का सर्वे कहता है कि पंजाब से भी 3 गुना ज्यादा दिल्ली का बेरोजगारी है। आगे पढ़ लीजिएगा सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ, 83% महिलाएं इस बेरोजगारी की शिकार हुई, पढ़ी लिखी ग्रेजुएट महिलाएं नौकरी पर थी, नौकरी छीन ली गई, बेरोजगार घर बैठी हैं। सवाल करना चाहती हूं, क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली की इन 83% महिलाओं को 1,000 रुपया दे रहे हैं? ये सब 18 से ऊपर की हैं, पढ़ी लिखी हैं, रोजगार था छिन गया, क्या इन्हें 1,000 रुपया दे रहे हैं? तो दिल्ली की बेटियों को कहूंगी, यहां तो सरकार आएगी तब देंगे, दिल्ली में है सरकार, 7 साल से है सरकार, और 1,000 रुपया क्यों नहीं? मैं पंजाब के लोगों को कहूंगी, दिल्ली आपसे उम्मीद कर रही है, शायद आप जब ये बात उठाएंगे कि केजरीवाल नीयत साफ है तो अभी दिल्ली जाओ, कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ, फैसला कर लो कि दिल्ली की भी हर 18 साल की बेटी को 1,000 रुपया 1 जनवरी से खाते में आएगा, फरवरी में उन्हें वोट दे दीजिएगा, ये अलका लांबा कह के जा रही है, ये करा दीजिएगा, दिल्ली का भला होगा और दिल्ली दुआएं पंजाब को देगा, ये ठग है। आइए आगे, इस स्वराज की किताब ऑटोग्राफ के साथ अरविंद केजरीवाल जी के लिए अगर कहेंगे तो आपको दे दूंगी, ताकि अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पन्ने दर पन्ने खोलें। शराब के खिलाफ दिल्ली के अंदर कहा था मोहल्ला सभा करेंगे, मोहल्ला सभा में अगर महिलाएं कहेंगी शराब का ठेका इलाके में नहीं चाहिए तो कोई नहीं खोल पाएगा, इस किताब में लिखा है, शपथ ली थी। हकीकत क्या, दिल्ली देहात में शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, पंचायतें और ये विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। 400 दुकानें थी,
निजीकरण कर दिया, 800 दुकानें हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके, बेरोजगारी दर क्या है? अब जब बेरोजगारी होगी, शराब की दुकानें खुलेंगी, तो क्या होगा? अपराध होगा, अपराध होगा। क्या है अपराध? सबसे ज्यादा शिकार किसको होना पड़ रहा है? पढ़ लीजिए, 12 नवंबर की 2021 की खबर है। राजधानी दिल्ली में नहीं है महिलाएं सुरक्षित। पिछले आठ महीने में शीला दीक्षित की सरकार थी, या पिछले 7 साल से 8 महीने से केजरीवाल तुम्हारी सरकार है, महीने में रेप और छेड़छाड़ के अपराध बढ़े हैं। क्या मॉडल है दिल्ली का, जो केजरीवाल यहां पंजाब में लाकर दिल्ली की हमारी मां बहन बेटियों को सुरक्षित करेंगे, या सिर्फ 1000 रुपए का लालच देकर आप उनका वोट लेकर उन्हें भी दिल्ली की तरह ठगेंगे? सुबह की तस्वीरें हैं, दिल्ली से जब मैंने टेक ऑफ किया, 455 एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहरीली सांस। सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सरकारी दफ्तर पे ताला, वर्क फ्रॉम होम, और केजरीवाल पठानकोट और गोवा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, स्कूली बच्चों का क्या कसूर है? वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने स्कूल बंद किए। ये किसकी विफलताओं के कारण दिल्ली के स्कूलों में ताला लग के बच्चों के भविष्य के साथ और जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने का काम दिल्ली का ठग, महाठग कहूंगी, अरविंद केजरीवाल कर रहा है? ये मॉडल पंजाब को चाहिए तो पंजाब तय कर ले, ये दिल्ली का मॉडल है। वो नहीं बताएंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। विदेशी मीडिया, अब आ जाइए हवा के बाद पानी। विदेशी मीडिया में छाया दिल्ली की यमुना नदी सफेद झाग, कब तक सुधरेंगे हालात, 7 साल पूरे। ये था इस बार छठ पूजा का दिल्ली की यमुना का तस्वीर। क्या है आपके पास? अब इसके आगे आ जाइए, कब करेंगे सुधार, पढ़ लीजिएगा आगे। ठगे जाना है पंजाब तो दिल्ली तो ठगी गई, दिल्ली के पास अब कोई रास्ता नहीं है लड़ने के अलावा। 2025 तक, 7 साल बीत गए, 3 साल इनके बचे हैं, 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव आएगा, तो इसलिए 2025 की तारीख तय की हमने केजरीवाल ने। 24 क्यों नहीं तय की, 26 क्यों नहीं तय की, 25 क्यों तय की? 25 में अगला चुनाव होगा और अगले चुनाव तक यमुना नदी साफ करेंगे। आप समझ रहे हैं, ठगों की ठगी यहां नहीं है, अभी और आपको इन ठगों को बेनकाब करूंगी। मकसद सिर्फ ये है, पंजाब को ठगने से बचाना है। ये पंजाब हमारा है, जब हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ था, पंजाब उत्तर प्रदेश हरियाणा से आकर, तब इन पंजाब के किसानों के खिलाफ 26 जनवरी को जो षड्यंत्र रचा गया, 500 बसें किसने खड़ी करके हमारे किसानों को गुप्त स्थानों पर भेजा था, FIR ही तिहाड़ जेल में ले गए, सरकारी वकील तक नहीं केजरीवाल ने दिया, और यहां आकर बात करते हैं। और कृषि कानूनों में सबसे पहले दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाकर सबसे पहले इन कानूनों पर मोहर लगाने का काम संवैधानिक तौर पर ऑन रिकॉर्ड केजरीवाल तुमने किया था। अब आप क्या चाहते हैं? कोई भी राज्य खुशहाल रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे? क्या हो रहा है दिल्ली में, केजरीवाल की दिल्ली में, पढ़ लीजिएगा। 2020, पिछले साल की तो बात है, दंगों का दर्द, सीलमपुर में आपसे छिटक गया मतदाता। कौन सा मतदाता है? अल्पसंख्यक, बहुत से अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, अल्पसंख्यक। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में 2 बार चर्च पे हमला होता है, दिल्ली के दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम में, लोग मारे जाते हैं, और दिल्ली का केजरीवाल दिल्ली से, दिल्ली मतलब सत्ता केंद्र के गृह मंत्री से लड़ने की बजाय कहता है मेरे हाथ में नहीं है। आप ऐसे आदमी को सोच रहे पंजाब की कमान सौंपने की, जो कल को ये कह देगा ये तो बॉर्डर का मामला है, पाकिस्तान अमृतसर का बॉर्डर का मामला है, ये तो केंद्र का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आप अपने चुने हुए मुख्यमंत्री से ये सुनना चाहेंगे कि वो आने वाले समय पर ये कह दे ये तो केंद्र का फैसला है, ये तो केंद्र के हाथ में है, मैं लड़ नहीं सकता हूं। ये पंजाब को ठगी से बचना होगा। स्वास्थ्य मॉडल, राजधानी दिल्ली, ऑक्सीजन की कमी से टूटी सांसें, दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर समेत 8 मरीजों ने दम तोड़ा था, कोरोना से नहीं, कोरोना के केजरीवाल के कुप्रबंधन की वजह से। ऑक्सीजन प्लांट लगने थे समय पर, नहीं लगे, डॉक्टर लोगों ने दम तोड़ा। जवाबदेही किसकी थी? ये मॉडल पंजाब के लिए ला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये कोई 20 साल पुरानी बात नहीं कर रही,
ये अभी जब आप सत्ता में एक बार आए, सत्ता में दूसरी बार आए, आपके पांव जम गए, अब लगा आपने नस पकड़ ली होगी, अब आपके पास समाधान भी होंगे। हम आपसे पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल उम्मीद नहीं कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के 3 करोड़ लोग। हम आपसे पांचवें, छठे, सातवें साल उम्मीद कर रहे थे, और ये पांचवें, छठे, सातवें साल के हालात है। आ जाइए इन ठगों की ठगी के अंदर। अब क्या कह रहे हैं दिल्ली को, 15 में सत्ता में आए, 21 आ गया है, क्या लिखते हैं दिल्ली के वित्त मंत्री का दावा 2047 में। 47 आने में सर जी कितने समय है, कितने, 26 साल, यानी कि 2-3 दशक इंतजार करें दिल्ली के लोग कि उनकी कमाइयां इतनी होंगी कि उन्हें सत्ता की सरकार की मुफ्त मुफ्त फ्री का मोहताज ना रहना पड़े। 2047 में आपको क्या कर देंगे, प्रति व्यक्ति आए हम सिंगापुर के बराबर कर देंगे। अरे पंजाब के बराबर करके दिखा दो, पंजाब के बराबर करके दिखा दो, या पंजाब की प्रति व्यक्ति आए आप दिल्ली के बराबर करेंगे। मॉडल तो वही है। लास्ट लेकर आपसे सवाल लूंगी मैं, बिजली के बिल लेकर आए 1 लाख अरविंद केजरीवाल जी, फ्री बिजली मिलती है दिल्ली वालों को। मैं भी बिल लेकर आई हूँ, ओरिजिनल लेकर आई हूँ, सरकारी बिल है, जो चाहे ले सकते हैं। ये ठगी का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ पंजाब में किसानों को बिजली मुफ्त है, मैं ठीक बता रही हूँ, और दिल्ली में मुफ्त है नहीं है। नियत है, सत्ता है, सरकार है, कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ और घोषणा कर दो पंजाब चुनावों से पहले कि दिल्ली का छोटा बड़ा किसान जो भी है पंजाब की तर्ज पे बिजली माफ। 7 साल से तो की नहीं, चुनाव में वोट लेना भी कर दो, यहाँ फायदा होना हो दिल्ली का फायदा पंजाब के चक्कर में जरूर हो जाएगा अगर यहाँ आवाज उठाई जाएगी तो, कि 1000 रुपया भी हमारी बेटियों को मिलेगा। बेरोजगारी भत्ता, यहाँ घोषणा की बेरोजगारी भत्ते की कि अरविंद केजरीवाल यहाँ बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो राज्य देखते हैं कितना बड़ा है, कितना दाव लगाना है। वो गए उत्तराखंड, 5000 बेरोजगारी भत्ता, वो गए गोवा में 3500 बेरोजगारी भत्ता, यहाँ की महिलाओं को 1000 रुपया देंगे। और इससे बड़ी नौटंकी ड्रामेबाज क्या होगा जब उन्होंने कहा, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने मुझे गंदी गंदी गालियां दी। हम महिलाएं हिल गई, कौन सी गंदी गंदी गालियां दे दी, ऐसा लगा रो देंगे ये तो। सारे हमने अपने मुख्यमंत्री चन्नी जी के बयान छाने कि कौन सी गंदी गंदी गाली दे दी। और बात है मेरे कपड़ों को, उन्होंने क्या गलत कह दिया, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा लाखों की तनख्वाहें लेता है तो क्यों ये इस तरह के कपड़ों का ढोंग कर रहे हो, असलियत क्यों नहीं दिखाते। 1 लाख रुपए का एप्पल का मोबाइल आपके हाथ में होता है, आपके सरकारी बंगले जो आपने लेना नहीं था आपको जबरदस्ती दे दिया गया, उसमें सच नहीं है कि 9 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल बन रहा है, सच है या नहीं, सवाल छोड़ के जा रही हूँ, जवाब ले लीजिएगा हाँ ना में, कि अलका लांबा झूठ बोल कर गई, सच बोल कर गई। ये नौटंकी ड्रामे बंद कर देने चाहिए। कह रहे पंजाब की बेटियों को 1000 रुपया दूंगा, नए सूट नए कपड़े। अरे ये पंजाब पूरे देश को पहनाता और खिलाता है, ये पंजाब यहां से जाकर अमेरिका, आपका लंदन, आपका कनाडा चलाता है। यहां का पंजाबी और पंजाब, वहां जो देख रहा है वो पंजाब में चाहता है, वो विकास, वो शांति, वो भाईचारा चाहता है। सरहद पे बैठे हैं हम लोग, ये छोटा मोटा पंजाब राज्य नहीं है कि कहीं पर भारत के बीच में है कहीं, ये सरहद पर बैठे हैं। क्या नीति है आपकी, विदेश नीति, क्या रक्षा नीति है आपकी, क्या पड़ोसी देशों के बारे में आप सोच रहे हैं और क्या व्यवहार करेंगे। एक तस्वीर तो आपने सिद्धू जी के साथ वायरल कर दी, पर अगर इस सोच के साथ आप चल रहे हैं कि पाकिस्तान के एक नेता की तस्वीर वायरल कर देंगे, तो आपकी क्या सोच है जब आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आप पड़ोसी देशों से क्या रिश्ते रखना चाहते हैं, कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं, ये पंजाब को जरूर जानना चाहिए क्योंकि पंजाब बॉर्डर पर बैठा हुआ है। बिजली के बिल देकर जा रही हूं, सबूत है इसमें, 200 यूनिट दिल्ली में कहते हैं फ्री, मैं आपको ये लूंगी, देने को कहूंगी, और 201 के बाद क्या होगा, 201 पर फ्री है नहीं है, कितना बिल है, आधा बिल है, 400 यूनिट पर आधा होगा, लेकिन 401 पे क्या होगा, पूरा बिल, कितने रुपए प्रति यूनिट, 6.50 रुपए प्रति यूनिट। अब ये इसमें दिखेगा फ्री दिया, 12 महीने में 2 या 3 महीने फ्री है, वो फ्री वाले बिल अरविंद केजरीवाल लेकर पंजाब में आए, पोथे लेकर आए कि ये फ्री बिल है, वो पूरे 12 महीने में मात्र सर्दी के महीने के 3 महीने के फ्री लेकर आए। मैं चुनौती देकर जा रही हूं बाकी 9 महीने के बिल लेकर आ जाए अरविंद केजरीवाल जी, आपको पता लग जाएगा दिल्ली के अंदर
हर आम गरीब आदमी को भी 2000 रुपया महीना एवरेज पड़ जाता है, 6000-8000 इसमें है, एक एक महीने का बिल, 300 यूनिट का बिल, 400 यूनिट का बिल, 400 यूनिट तक आधे दाम के बावजूद भी 3500 रुपया बिल है। और अगर आप 400 से ऊपर पहुंच गए, 400 ऊपर गर्मी में आपने चला लिया किसी ने एसी हमारे जैसे लोगों ने, तो बिल कितना आ रहा है, 6000 और 8000 रुपया, एवरेज निकालेंगे तो 2000। ये ठगी का शिकार। और लास्ट बात आपसे कहूंगी, पंजाब को प्रयोग नहीं करने चाहिए। पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए एक प्रयोगशाला बनी हुई है, प्रयोगशाला अपने आप को राष्ट्रीय दल बनाना, क्षेत्रीय दल है दिल्ली का, पंजाब को प्रयोगशाला बनाकर इतना वोट मिल जाए बस कि वो राष्ट्रीय दल बन जाए, उनका जो प्रधानमंत्री का सपना है 24 नहीं तो आगे पक पूरा हो जाए। पंजाब किसी के लिए प्रयोगशाला नहीं बननी चाहिए। कल भी मैं देख रही थी पठानकोट में तिरंगा यात्रा, अरे ये पंजाब है, आजादी में कुर्बानियां दिया, जलियांवाला बाग यहां है, भगत सिंह यहां का है, यहां के लोगों को आप लाकर तिरंगा दिखाकर देशभक्ति नहीं पैदा कर सकते, यहां देशभक्ति खून में पहले से है। ये दिल्ली से झंडा लाकर भाजपा संघ के एजेंडों पर चलकर आप सोचेंगे हम देशभक्ति पैदा करने आए हैं। पंजाब के लोगों को किसी से, इस धरती को किसी से देशभक्ति सीखने की या किताबों में पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहूंगी, पंजाब को प्रयोगशाला दिल्ली पंजाब के बाहर की से आए क्षेत्रीय दल के लिए मत बनने दीजिएगा। इसका खामियाजा आने वाले समय पर अगर ऐसा होता है तो किसी और को नहीं मात्र पंजाब को उठाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली उठा रही है। यहां पर आपके पास पहले से ही राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल कहें भाजपा कांग्रेस, क्षेत्रीय दल कहें अकाली दल है, बीएसपी है, उसके बाद आपकी टीएमसी भी कभी यहां पर आ जाएगी, उसको भी अपना भविष्य अब दिख रहा है क्योंकि भाजपा ने अपनी बी टीमें तैयार कर ली हैं कि जहां भाजपा सीधे कांग्रेस को नहीं हरा पा रही है वहां अपनी बी टीमों को बना बनाकर वहां वहां उन्हीं राज्यों में भेज रही है जहां पर कांग्रेस भाजपा को सीधे टक्कर देती हुई दिख रही है, चाहे इस चुनावों में उत्तराखंड हो, गोवा हो, आपका पंजाब हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर हो, उसके बाद हिमाचल में चुनाव है 22 में और गुजरात में है। हिमाचल में देखा आपने डबल इंजन की सरकार, उपचुनाव, 3 विधानसभा, 1 लोकसभा, सुपड़ा साफ, लोग बदलाव चाह रहे हैं, महंगाई। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने, प्रदेश की कमान सिद्धू जी के हाथ में और सरकार की कमान चन्नी जी के हाथ सौंपी है। और जब से ये बदलाव आया है तब से पंजाब का आदमी एक बार फिर से विश्वास के साथ हमें कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारा फिर भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पंजाब के लोगों में जाएं और इन ठगों का शिकार, ठगी का शिकार पंजाब ना हो पाए, क्योंकि दिल्ली ठगी जा चुकी है। दिल्ली का वो दर्द लेकर मैं आपके बीच में आई हूँ। मैंने कहा मैं प्रवक्ता ज़रूर हूँ लेकिन मैं दिल्ली की बेटी भी हूँ और हम भुगत रहे हैं, हम शिकार हैं इनकी ठगी का, आपके ठगों की और महाठग केजरीवाल। कल आपने देखा पठानकोट में कौन था ट्रक के ऊपर, राघव चड्ढा दिल्ली का विधायक, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल दिल्ली का, बीच में पंजाब फंसा हुआ था भगवत मान, जिनको ये चुनौती देकर जा रही हूँ, एक लौता चेहरा है, हिम्मत हो तो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित तो करिए, इनके पास कुछ नहीं है, जो थे वो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। और ये ऊट पटांग बयान, कभी ये आना चाहता है, कभी वो आना चाहता है, कभी इनका कूड़ा, कभी उनका कूड़ा, ये कूड़ा नहीं है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें लोगों ने वोट देकर चुनकर बिठाया है और आगे फैसला वही करेंगे और आप उनको कूड़ा कह रहे हैं क्योंकि वो ये ना अंगूर खट्टे हैं। तो मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।